नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लोब ऑफिशियल में दोस्तों आज इरिटेरिया का जो पुलिस और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट आया है पंद्रह प्रैक्टिस सेट है उसी के बारे में आज हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से पहला प्रश्न आप लोग के सामने है पहला प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है सिंधु घाटी लोग के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी सिंधु घाटी के लोग कुत्ते बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन में प्रथम थे सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूँ जौ बाजरा जवार चावल आदि का भी खेती करते थे सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से भेड़ बकरी भैंस तथा सुअर जैसे जानवरों का पालन किया करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है आपके पास आपके सामने कि जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है जैन धर्म धर्म के त्रिरत्न में शामिल कौन कौन है तो जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम्यक विश्वास तो सम्यक विश्वास सम्यक दर्शन का ही अर्थ है सम्यक ज्ञान और सही आचरण यानी सम्यक आचरण तो इसका हो जाएगा सम्यक विश्वास सम्यक ज्ञान और सही आचरण चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था चोल अभिलेख के अनुसार चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था तो उसको पलिछादानम कहा जाता था पलिछादानम कहा जाता था चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पलिछादानम कहा जाता था ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं इसमें क्या कहता है ब्रह्मदेव तो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था सालाभोग तो स्कूल विद्यालय की व्यवस्था के लिए जो भूमि दान में दिया जाता था उसको सालाभोग भोग कहा जाता था और गैर ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको वेलन व गाय कहा जाता था तो आप समझ गए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अगला प्रश्न है कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है विशाख अ... दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है किस भाषा में संस्कृत भाषा में लिखी गई है और यह चौथी शताब्दी के उत्तराध और पाँचवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसकी रचना की, की गई थी विशाख दत्त के द्वारा और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है और इसी नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल तथा कुलहीन कुलहीन कहा गया है और मुद्राक्षत से आपसे पूछेगा कि हिंदी में इसका अनुवाद कौन किया था या कौन किए थे तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र किए थे कौन किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ तो यह शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था शेषाह सूरी के शासनकाल में पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था जिसका वजन था एक सौ अठहत्तर ग्रेन क्या था एक सौ अठहत्तर ग्रेन एक सौ अठहत्तर ग्रेन और यह रुपया जो चांदी का होता था किसका होता था चांदी का चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ तो यह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में नहीं बनने लगा यानी द्वंद्व शुरू हो गया चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है तो यह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ तो यह अठारह सौ में जो डॉक्टर ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया जा रहा था उसी के समय ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय अठारह सौ में हो गया और लॉर्ड ललौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब मिला लिया उस समय अवध का नवाब कौन था तो वाजिद अली शाह था वाजिद अली शाह वाजिद अली शाह यही बात याद रखना है चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा सुरें सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया था और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में कलकत्ता के टाउन हॉल में टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई तो आपसे पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था तो वो भी 1905 में ही हुआ था और उस दिन 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया और उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया शोक दिवस के रूप में मनाया गया ये भी बात याद रखना है शोक दिवस के रूप में मनाया गया चलिए दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं दस नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा था तो यह सुभाष चंद्र बोस कहे थे किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कब तो 6 जुलाई उन्नीस को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं तो यही बात कहे थे चलिए अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अठारह सौ तिहत्तर ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और ये भी याद सब रखना है कि महादेव गोविंद ननाडे के द्वारा अठारह सौ सड़सठ ईस्वी में क्या किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज ये भी बात याद रखना था उस समय उनके साथ में कौन कौन थे केशव चंद्र सेन थे केशव चंद्र सेन थे आत्मारंग पांडुकर थे और एम जी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे तीनों आदमी मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना अठारह ईस्वी में किए थे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अटला देवी अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था या किया गया था अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा अटला देवी मस्जिद का निर्माण कराया गया था कब तो चौदह सौ आठ ईस्वी में ये भी बात याद रखना है चौदह सौ आठ ईस्वी में चलिए अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग होता था ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि यह सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की जो दर थी उपज का कितना भाग होता था तो यह एक बटा दो भाग यानी आधा आधा ठीक चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है डैश की समानता यानी डैश में क्या होगा तो अभिव्यक्ति और विश्वास विचार और अभिव्यक्ति प्रतिष्ठा और अवसर अवसर और अभिव्यक्ति तो इसका जो राइट आंसर है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अवसर देता है चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था मूल कर्तव्य जो इक, अनुच्छेद इक्यावन के कम में निहित है और मूल कर्तव्यों की संख्या ग्यारह है तो यह संविधान में मतलब सम्मिलित करने का सुझाव कौन दिया तो यह स्वर्ण सी समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था सी समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था और वापसी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल कर्तव्य भाग कितना में है तो भाग जो है यह चार के में है चार के कौ में है चार के में ठीक और यह बयालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस में इसको जोड़ा गया चलिए अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है अनुसूचित जनजाति यानी एस टी शिड्यूल ट्राइब्स के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है तो यह राष्ट्रपति के पास है किसके पास राष्ट्रपति के पास है चलिए अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा में निम्न में कौन शामिल होता है ग्राम सभा में निम्न में कौन शामिल होता है तो देख लेते हैं कि गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में जर्द है गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे सभी व्यक्ति जिनके नाम त... नाम गाँव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है वही ग्राम सभा में शामिल होता है चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान का निम्न में कौन सा जो संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है यानी संविधान का वह कौन सा संशोधन केंद्र तथा कि संशोधन जो हुआ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है उसको सीमित करता है तो वह है इक्यानवा संविधान संशोधन इक्यानवा संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था कब हुआ था 2003 में हुआ था उसमें सदस्यों की जो संख्या रखी गई थी वह 15 प्रतिशत रख करने की व्यवस्था की गई थी 15 प्रतिशत व्यवस्था की गई थी किसमें निम्न सदन में और इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम बारह मंत्रियों को नियुक्त करने का बारह मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है निम्न में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है तो यूपीएससी है राज्य लोक सेवा आयोग भी है वित्त आयोग भी है और नीति आयोग नहीं है नीति आयोग नहीं है यह एक गैर संवैधानिक है जिसकी स्थापना एक जनवरी 2015 में हुई थी ठीक है आयोग का स्थान पर चलिए अगला प्रश्न है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे तो यह थे जवाहरलाल नेहरू कौन थे जवाहरलाल नेहरू चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 241 में 241 में क्या है कि आपका केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है तो अब ऑप्शन देख लेते हैं ये सब इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो होता है अनुच्छेद दो तो दो में क्या कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा ये अनुच्छेद दो में कहता है 214 में किसी भी राज्य के लिए हाई कोर्ट कहता है और दो क्या कहता है संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में कहता है और दो तो जान गए कि संघ राज क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दो में था इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा अगला प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है तो इसका राइट आंसर हो लो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं यानी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का परिवर्तन मूल अधिकारों का जो परिवर्तन है वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता में आते हैं चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है निम्न में से किस देश में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है जो गोल्डन ट्रायंगल है स्वर्ण त्रिभुज इसके तो कम्बोडिया नहीं आता है इसके अंदर कंबोडिया नहीं आता है थाईलैंड लाओस और म्यांमार आता है चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो यह अठारह दिसंबर को मनाया जाता है कब मनाया जाता है अठारह दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस अगला प्रश्न है कि लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है लोसुंग जो एक त्यौहार है यह सिक्किम में लोकप्रिय है यानी प्रसिद्ध है चलिए अगला प्रश्न है कि योनिक्स कप का संबंध किस खेल से है योनिक्स कप का संबंध किस खेल से है तो यह बैडमिंटन से है किससे है बैडमिंटन से है, है. चलिए अगला प्रश्न है कि सूरज ताल जो झील है किस राज्य में स्थित है सूरज ताल झील बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है तो यह है आपको हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में यह भी याद रखना है कि सूरज ताल है रेणुका भी झील है रेणुका रेणुका झील है नाको झील है नाको नाको झील है सब हिमाचल प्रदेश में का बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको रामसर सागर में किया गया है सूची में शामिल किया गया है तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में यह भी याद रखना है सूरज ताल झील याद रखना है और नाको झील चलिए अगला प्रश्न है कि इको की सही परिभाषा क्या है इको की सही परिभाषा क्या है यानी परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय ऑप्शन नंबर ए है, है किसी स्थान का अजीवीय घटक और पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र तो जहाँ जीव रहते हैं और जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र को ही इकोसिस्टम कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र का जो संकल संकल्पना था एजी टेंसले के द्वारा 1935 सौ ईस्वी में किया गया था ठीक है और किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक जो होते ना संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्णय इको सिस्टम का निर्माण करते ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैतीस दशमलव तीन तीन प्रतिशत तैतीस दशमलव तीन तीन प्रतिशत चलिए अगला प्रश्न है कि एपीफाइट एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं क्यों क्यों रहते हैं एपीफाइट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक मदद के लिए यांत्रिक मदद के लिए एपिफाइड जो पौधे होते हैं विकसित होने वाले पौधे पर ये क्या करते हैं निर्भर होते हैं अन्य पौधे पर विकसित होने के अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो कौन सुमेलित नहीं है तो कंचनजंगा कंचनजंगा दो हजार दो दिया हुआ है तो एक गलत है कंचनजंगा को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दो हज़ार ईसवी में किया गया था दो हजार ईस्वी में किया गया था दो हजार दो नहीं तो सिमलीपाल उड़ीसा में जो उन्नीस सौ चौरानवे में कंचनजंगा सिक्किम में है दो हजार में नोकरे को नोकरे कहाँ है तो ये मेघालय में है याद रखिएगा नोकरे के मेघालय में है इसको उन्नीस सौ अट्ठासी में किया गया था और पन्ना मध्य प्रदेश में है दो हज़ार ग्यारह में सबसे यह कंचनजंगा दो हज़ार दो दिया हुआ था गलत है दो हज़ार ईसवी में इसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का स्थापना किया गया था चलिए अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है तो यह बना है केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है केरल हाईकोर्ट याद रखिएगा केरल हाईकोर्ट वहीं का हाईकोर्ट की कार्यवाही को लाइव प्रसारण यानी लाइव प्रसारण ये भी याद रखना है लाइव प्रसारण कौन किया है हाईकोर्ट लाइव प्रसारण तो यह गुजरात हाईकोर्ट किया है हाईकोर्ट की कार्यवाही जो होता है चलता है कैसे चलता है कैसे वकील अपना क्वेश्चन बताते हैं पूछते हैं तो ये सब लाइव कौन दिखाया है पहली बार तो यह गुजरात हाईकोर्ट दिखाया है और क्षेत्रीय भाषा में वहां के अपने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित यानी रिजल्ट देने वाला तो यह केरल हाईकोर्ट दोनों क्वेश्चन में अंदर है याद रखना है अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा एस एच डब्ल्यू ए स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है स्वास्थ्य ऐप को किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है तो स्वास्थ्य ऐप तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया है जो तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को कल्याण हेतु तो, स्वच्छ ऐप को जारी किया है चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश भारत ने किस देश के साथ किया है संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है तो संगम जो नौसेना अभ्यास है इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ अमेरिका देश के साथ सातवां संगम युद्ध का अभ्यास दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ और यह एक संगम नौ से नौसेना अभ्यास है अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना 1919 में जो हुआ था में शामिल होने वाला एक वा देश कौन सा बन गया है कौन हो गया है एक वा देश तो यह टोंगा बना है कौन बना है टोंगा और अब जब टोंगा देश आ गया है तो टोंगा देश की जो राजधानी है नुकु आलोपा नुकु आलोपा जो है टोंगा देश की राजधानी है नुकु आलोपा याद रखिएगा नुकु आलोपा टोंगा देश की राजधानी है चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी में किया गया इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था फिजी में किया गया था फिजी डॉलर तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले थे एस जयशंकर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था कौन सा ऑपरेशन चलाया तो यह है ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो मदद के लिए भारत ने जो भूकंप आ गया था तो भारत ने यह ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन दोस्त अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है तो यह अमेरिका रहा है प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है और इसमें हो सकता है कि भारत का पूर्व देश तो भारत चौथे स्थान पर है किस स्थान पर चौथे स्थान पर है चलिए अगला प्रश्न है वर्ष दो हजार के दौरान देश का जी विकास दर का कितना रहने का अनुमान है कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है तो यह है आपका 6 से 6.8 दशमलव आठ प्रतिशत छ से 6.8 दशमलव आठ प्रतिशत रहने का अनुमान है 6 से 6.8 दशमलव आठ प्रतिशत रहने का अनुमान है अगला प्रश्न है कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है यह पहला है दूध उत्पादन में पहला है लगभग ये विश्व में पच्चीस प्रतिशत दूध का उत्पादन भारत अकेले करता है चलिए अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार दो में सम्मानित अर्जुन पुरस्कार दो से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है सुश्री अंशु का जो संबंध है या कुश्ती खेल से है किस खेल से कुश्ती खेल से है कुश्ती खेल याद रखिएगा कुश्ती खेल से सुश्री का अंशु का संबंध है अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार दो हजार तेईस है किसने किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है तो इसका राइट 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 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैरी हैरी आउस हैरी आउस को ग्रैमी पुरस्कार 2023 के लिए एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है तो यह है सलमान रुशदी कौन है सलमान रुश्दी और सलमान रुश्दी का और पुस्तक देख लेते हैं मिड नाइट चिल्ड्रेन है सेम है द सैटेनिक वर्सेज है ये सब सलमान रशदी की पुस्तक है और यह विक्ट्री जो सिटी है यह पुस्तक 2023 में ही प्रकाशित किया गया है अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है 2023 में इसका थीम क्या है 2023 में इसका थीम क्या है तो इसका थीम है क्लोज द केयर गैप क्या है क्लोज द केयर गैप चार फरवरी को मनाया जाता है ये बात याद रखना है चलिए अगला प्रश्न है कि स्टेचू ऑफ नॉलेज स्टेच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है कहाँ किया गया यानी किस राज्य में किया गया किस जगह पर किया गया तो यह महाराष्ट्र में किया गया कहाँ किया गया महाराष्ट्र में किया गया और है और यह भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है स्टेचू ऑफ नॉलेज जो है क्या है तो यह महाराष्ट्र सरकार के लातूर में स्थापित किया गया है यह भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा यानी मूर्ति है यह सत्तर फीट ऊंची है लगभग सत्तर फीट ऊंची है सत्तर फीट अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है जनवरी 2023 में रिपोर्ट आया है, है लेकिन 2022 में ही भारत का सबसे प्रदूषित जो शहर है वह कौन है तो नई दिल्ली है कौन है नई दिल्ली है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रश्नों को सुमिलित करना एक तरफ राज है एक तरफ उनके राज्यपाल है कौन सुमिलित नहीं है तो कौन सुमिलित नहीं है तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश केरी पटनाइक ये सही है मेघालय फागू चौहान सही है झारखंड सीपी राधाकृष्णन ये भी सही है और महाराष्ट्र गणेश लाल तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन गए हैं रमेश बैस रमेश बैस राज्यपाल हैं रमेश बैस तो जो गणेश लाल दिया हुआ है एक गलत है और बिहार में याद रखिएगा कि बिहार के नए राज्यपाल कौन बने गए तो राजेंद्र बी आर लेकर राजेंद्र बी आरलेकर आरलेकर चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा तो हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया इसका संबंध संबंध किस क्षेत्र से था इनका संबंध किस क्षेत्र से था तो ये खेल क्षेत्र से थे तुलसीदास बलराम खेल क्षेत्र से थे ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे कौन थे फुल फुटबॉलर थे इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये बने हैं संगीता वर्मा कौन बने हैं संगीता वर्मा राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा बनी है और जो जो इसकी स्थापना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो इसकी स्थापना कब हुई थी तो दो में ये भी आप हज़ार तीन में स्थापना हुई थी और इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं तो इसमें सात सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित यानी एक अध्यक्ष होते हैं और सात सदस्य छह सदस्य तो सात हो जाएंगे टोटल अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया तो यह आपका भोपाल में किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सातवें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का आयोजन उद्घाटन भोपाल में किया यह तीन दिवसीय सम्मेलन है जिसमें लगभग पंद्रह से अधिक देश शामिल होंगे अगला प्रश्न है कि हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की दो जयंती दो सौवीं जयंती का आयोजन के शुभारंभ किए हैं और दयानंद सरस्वती अठारह सौ आर्य समाज के स्थापना किए थे आर्य समाज की स्थापना अठारह में किए थे तो इनकी दो सौवीं जयंती मनाई गई है अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा नरेंद्र मोदी ने, ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किए हैं जिसकी लंबाई कितना है डेढ़ किलोमीटर है याद रखिएगा डेढ़ किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर अगला प्रश्न है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं तो यह बने हैं रामचंद्र पौडेल कौन बने हैं रामचंद्र पौडेल वहां के राष्ट्रपति बने हैं ठीक है अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में आयोसांग उत्सव मनाया गया है आयोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है तो यह मणिपुर में मनाया गया कहा मनाया गया मणिपुर में मनाया गया है यह उत्सव होली के दिनों में लगभग पांच दिनों तक चलती है तो यह मणिपुर में मनाया गया है अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो यह किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को अप्पा साहेब धर्माधिकारी को यह क्या है कि महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक समाज से समाज में से सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा सामाजिक कार्यकर्ता है या इनको अप्पा साहब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत उन्नीस में किया गया था यानी यह पुरस्कार उन्नीस से दिया जा रहा है उन्नीस से दिया जा रहा है अगला प्रश्न है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है तो यह सुरेखा यादव बनी है कौन बनी है सुरेखा यादव बनी है बंद भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई है तो यह सुरेखा यादव बनी है अगला प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई की जाती है रबी फसल की बुआई कब की जाती है तो यह अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है और रबी फसल में कौन कौन आता है तो रबी फसल में गेहूँ चना जौ सरसों तो यह इसका बुआई जो होता है अक्टूबर से नवंबर तक हो जाती है और इसमें हो सकता है कि पूछते कटाई कब होती है तो कटाई मार्च अप्रैल में मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई हो जाती है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है उत्पादन में अग्रणी कौन है? तो यह पश्चिम बंगाल है कौन है पश्चिम बंगाल है अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है म्यांमार से किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम लगती है तो यह है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार से लगभग 520 किलोमीटर लगती है कितना लगती है 520 किलोमीटर अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है या कहा किसके कारण होती है तो यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से सेंटोस को जाना जाता है कॉफी पोर्ट विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है ब्राज़ील देश करता है ब्राज़ील और सेंटोस ब्राज़ील का ही एक कॉफी बंदरगाह है यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है तो यह है कुमायूं हिमालय कुमायूं हिमालय नंदा देवी जो कुमायूं हिमालय का भाग है यह उत्तराखंड में है अभी पूछ देगा कि नंदा देवी कहाँ है तो उत्तराखंड में है कहाँ है उत्तराखंड और उत्तराखंड में है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और इस हिमालय की प्रमुख चोटी कामेत केदारनाथ त्रिशूल आदि है तो ये सब भी हिमालय की ही प्रमुख चोटी है कामेत केदारनाथ त्रिशूल अगला प्रश्न है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है द्वीपों का जो समूह है लक्षद्वीप है यह निर्मित है तो यह परवाल द्वारा निर्मित है परवाल द्वारा परवाल भीति द्वारा निर्मित है और परवाल भीति से क्या होता है कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है तथा यह प्रवाल द्वारा निर्मित है इसमें क्या होता है कि जो समुद्र किनारे छोटे 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 जीवों के मतलब सन्ने गने मरने से जो चीज़ें मतलब तैयार होती है हो, उसी तरह इसका निर्माण हुआ है प्रवाल भिति निर्मित है और यह अरब सागर में निहित है लक्षद्वीप और इसमें छठ या लक्षद्वीप जो है छत्तीस छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है और उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी में लक्षद्वीप को उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी में इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया अगला प्रश्न है कि दूधगंगा गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है दूधगंगा गंगा किसकी सहायक नदी है तो दूधगंगा गंगा जो है यह चिनाव की सहायक नदी है दूधगंगा गंगा चिनाव की सहायक नदी है यह जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है ठीक है जबकि किशन गंगा की सहायक नदी है एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किशन गंगा किशन गंगा यह झेलम की सहायक नदी है और रामगंगा और गंगा जो रामगंगा जो है या गंगा की सहायक नदी है रामगंगा अगला प्रश्न कि भार का ऐसा क्या होता है तो भार का ऐसा जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है क्या होता है न्यूटन होता है और भार जो होता है सदिश राशि होता है चलिए अगला प्रश्न हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो यंत्र है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पंडोबी में प्रयोग किया जाता है तो यह है पेरियस्कोप क्या है पेरियस्कोप अगला प्रश्न है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो प्रभाव पड़ेगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी क्या होगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी अब क्या है कि ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ जाती है हो जाती है उसे ऊर्जा कहते हैं अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी अगला प्रश्न है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दो कणों के बीच की अगर दूरी बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि जानते हैं कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होता है कम हो जाएगा क्योंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांडव के इन दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है लेकिन उनके मध्य के दूरी के वर्ग के ब्यूत कर्मानुपाति होता है इसलिए कम हो जाएगा अगला प्रश्न है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं या विपरीत दिशा में कार्य करते हैं विपरीत दिशा में उपक्षेप बल और भार विपरीत दिशा में कार्य करते हैं अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है तो तरंग की विशेषता नहीं है या माध्यम नहीं है तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है जबकि तरंग आयाम आवर्ती तरंग की विशेषता है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन दूध का दही में परिवर्तन होना या रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि फिर दही से दूध नहीं बन सकता है जबकि शुष्क बर्फ का समलीमेशन रेत का पानी में घूलना पानी का चीनी में घूलना ये सब प्राप्त हो सकता है लेकिन दूध का दही में परिवर्तन होना या रासायनिक परिवर्तन है बाद बाकी सब भौतिक परिवर्तन है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अभिभाज्यता के बारे में बताया था तो यह किसने बताया था तो जॉन डाल्टन साहब ने बताया था जॉन डाल्टन साहब ने बताया था कि परमाणु अभिभाज्य है लेकिन इनका कथन बाद में गलत साबित हो गया चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में कौन होता है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम और इसका संकेत याद रखना है जी ए क्या होता है जी ए गैलियम जी ए होता है यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है यह सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होता है लेकिन यह एक धातु है चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो दो और दो और छ नहीं है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है भार की तुलना में एक विशेष मूल विशेषता माना जाता है तो यह हो जाएगा परमाणु क्रमांक और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं और परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण प्रकृतिक्रिया में ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है तो जब ऑक्सीकरण होता है जब ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होता है इलेक्ट्रॉन में कमी होता है जब ऑक्सीकरण होता है जब ऑक्सीकरण होता है क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है और जबकि इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की प्रक्रिया को उपचयन या अवकरण कहा जाता है यह भी बात याद रखना है अगला प्रश्न है कि यदि किसी लवण का पीएच मान शून है यदि किसी लवन का पीएच मान शून्य है तो वह क्या है तो वह कौन सा लवण है तो यह है सशक्त एसिड होगा लेकिन कमजोर उसका क्षार होगा यानी बेस होगा ठीक है अगला प्रश्न है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है तो जो छार होता है जल में ओ एच माइनस आयन निर्मित करता है ओ एच माइनस आयन निर्मित करता है चलिए अगला प्रश्न है उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक अवर्त सारणी में पहले अवर्त में रखा गया है उस निष्क्रिय गैस तो उसका नाम है हीलियम उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक अवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है तो हीलियम एच ई चलिए अगला प्रश्न है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न से किसमें होता है अधातुओं का जो व्यापक उपयोग होता है वो किस किसमें होता है तो वह खाद बनाने में होता है अधातुओं का उपयोग खाद बनाने में होता है अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो यह है सोडियम हाइड्रो क्या है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ए एच अगला प्रश्न है कि हिमाइटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में किससे संबंधित है तो जो हिमाइटोलॉजी है या रक्त का अध्ययन कहलाता है रक्त का अध्ययन को हिमाटोलॉजी कहते हैं और वृक्ष एवं झाड़ियों का तो जानते हैं डेंडोलॉजी होता है चलिए अगला प्रश्न है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भीति से अलग होने की प्रक्रिया को कहा जाता है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भीति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो यह प्लाज्मोलोसिस कहा जाता है प्लाज्मो प्लाज्मोलोसिस प्लाज्मोलोसिस कहा जाता है पानी की कमी करन, के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलोसिस कहा जाता है अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में वसा संचायक उतक कौन सा है हमारे शरीर में वसा संचायक उतक कौन सा है तो यह है एडीपोज उतक एडीपोज उतक जो होता है वसा संचायक उतक होता है वसा संचायक उतक एपी एडीपोज उतक होता है अब एडिपोज के बारे में जान लेते हैं कि हमारे शरीर में वसा संचयक उतक एडिपोज उतक है विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से उतक का निर्माण होता है और वसा उतक दो प्रकार के होता है एरी एरी लोअर उतक और एडी पोज उतक तो वसा संचायक एरी एडी पोज उतक होता है अगला प्रश्न है कि अस्थायी उतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है एक अस्थाई उत्को के निर्माण के लिए एक अस्थाई संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो यह इसको विभेदन कहते हैं क्या कहते हैं विभेदन कहा जाता है अगला प्रश्न है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित जो तत्व है वह कार्बन है क्या है कार्बन है और जबकि पति अगर पति पूछ दे जबकि पतियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है तो मैग्नेशियम पाया जाता है एम जी मैग्नेशियम पाया जाता है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था तो यह है ग्रेगर मेंडल कौन है ग्रेगर मेंडल राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को अनु वंशानुगत कहते हैं वंशानुगत वनसा, का जो नियम था सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही दिया था इसलिए ग्रेगर जॉन मेडल को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है तो यह ग्रेगर जोहान मेडल को कहा जाता है जिन्होंने मटर के पौधा पर इसका प्रयोग किया था अगला प्रश्न है कि जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है जो जोक का जो संबंध है वह एनिलीडा ग्रुप से है जोक का संबंध एनिलीडा ग्रुप से है अगला प्रश्न है Osionfish. कि निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं होमोडोंट दांत जो होते हैं किस में पाए जाते हैं तो वह मछली में पाए जाते हैं होमोडोंट दांत जो होते हैं वह मछली में पाया जाता है और जबकि स्तनधारियों जो मछली होमोडोंट तथा एक्रोडोंट जो समान आकार के होते हैं लेकिन जो स्तनधारियों में जो दांत होते हैं वह थिकोडोंट थिकोडोंट हेट्रोडोंट ज्यादातर डाइफ्यू डाइफियोडोंट नाम के प्रकार के दांत पाए जाते हैं स्तनधारियों में वर्ग में और मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है तो एच सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है तो विषाणु से इसमें कौन नहीं होता है टीबी तपेदिक नहीं होता है जबकि चेचक इन्फ्लुएंजा और खसरा यह जीवाणु से सॉरी चेचक इन्फ्लुएंजा खसरा वायरस से होता है जबकि टीबी जो होता है जीवाणु से होता है तो इसमें पूछ रहा है आपका कौन सा रोग जनित नहीं है से नहीं होता है तो तपेदिक टीबी अगला प्रश्न है कि उन्नीस में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे पीसी महान लोविस कौन थे पीसी महान लोविस चलिए अगला प्रश्न है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट ना नाराम यानी नारम एन डबल ए आर एम नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है यह कहाँ है तो यह आपका है हैदराबाद है में कहाँ हैदराबाद है में है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है तो यह औद्योगिक कर्मियों प्रौद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता के मत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि यदि उनचालीस और मैथ का क्वेश्चन है इसका हम पीडीएफ दे देंगे चलिए जीके इतना ही तक रहा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर जो टेरिया का जो दूसरा सेट इसी सेट का दूसरा भाग लेकर आएंगे तब तो तक ले जाए हिंद बंदे मातरम वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना प्यार दिखाइए दोस्तों